नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल की फ्रेंचाइजी आरसीबी के लिए 19 नवंबर बेहद ही खास रहा। एक तरफ एवी डिविलियर्स ने संन्यास का ऐलान किया तो दूसरी तरफ आरसीबी के ही तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने टीम इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। एक ही दिन दो ये वाकया हुआ जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बना रहा। और जब मैच में हर्षल पटेल गेंदबाजी करने उतरे तो उन्होंने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की जिसका इनाम उन्हें मैन ऑफ द मैच के रूप में मिला। हर्षल पटेल उस वक्त गेंदबाजी करने आए जब भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर को खूब रन पड़ रहे थे, लेकिन हर्षल पटेल ने आते ही रनों पर लगाम लगा दिया और उसके बाद अपने चार ओवर के स्पेल में बेहद ही शानदार गेंदबाजी की। चार ओवर में केवल 25 रन खर्च किए और दो बड़े विकेट उन्होंने अपने नाम किए। इस दौरान हर्षल पटेल की खूब तारीफ हुई, यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी उनके आगे नतमस्तक नजर आए और उन्होंने कहा जिस तरीके से हर्षल ने गेंदबाजी की है वो बेहद ही शानदार रहा है। वहीं मैच के बाद जब मैन ऑफ द मैच चुना गया और हर्षल पटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने किस तरीके से इस मैच में इतनी अच्छी गेंदबाजी की और किस तरीके से आप भविष्य में योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए गेंदबाजी जिस तरीके से मैंने की है उसमें ज़्यादा श्रेय एबी डिविलियर्स को जाता है। अब ऐसे में जब डिविलियर्स ने उसी दिन संन्यास लिया था और हर्षल डेब्यू कर रहे थे, जब ये नाम सामने आया तो जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर एबी ने हर्षल के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी गेंदबाजी इतनी बेहतर हुई। हर्षल ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा, एबी का मेरे करियर पर बड़ा असर रहा है, मैं हमेशा उन्हें चुपचाप देखता आया हूँ। हाल ही में यूएई में मैंने उनसे पूछा कि बड़े ओवरों में किफ़ायती गेंदबाजी कैसे करो। उन्होंने कहा कि जब बल्लेबाज अच्छी गेंद को भी पीटे तो भी बदलाव मत करो। अच्छी गेंदों को मारने के लिए बल्लेबाज को मजबूर करो क्योंकि वह सोचेगा कि आप दूसरी गेंद डालोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आईपीएल के दूसरे लेग में यह बात मेरे जहन में रहे और अब पूरे करियर में रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से हर्षल पटेल ने अपने अच्छी गेंदबाजी का श्रेय एवी डिविलियर्स को दिया और आईपीएल में उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए कुल 33 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया और आईपीएल इतिहास में केवल वो दूसरे गेंदबाज रहे जो कि एक लीग में एक सीजन में 33 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। साथ ही जब इंडिया टीम में उन्होंने डेब्यू किया तो पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए और इसका पूरा श्रेय उन्होंने एवी डिविलियर्स को दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या हर्षल पटेल की गेंदबाजी में एवी डिविलियर्स ने उनको जो कुछ भी समझाया है आपके हिसाब से क्या सही है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।